कम बैक टू विशेष क्लासेस। सो आज जो हमारी टॉपिक है वो है एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम ये ट्रेडिशनल वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बिफोर इंडिपेंडेंस मैंने कल अपलोड की थी तो अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लास्ट uh, प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है मतलब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताकि आपको पता भी लग जाएगा कि क्या है और कुछ एक्स्ट्रा uh, इंक्लूड भी किया है ताकि आपको समझ में आए कि अभी जो भी करंटली है वो भी पूछ सकते हैं ठीक है थीके? मतलब करंट अफेयर्स के साथ जो भी अभी आए हैं पॉलिसी ठीक है policy, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट आई थी राधा कृष्णन कमीशन नाइनटीन से नाइनटीन इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इस कमीशन ने सजेस्ट किया था कि आप इंटीग्रेशन करो सेकेंड एजुकेशन का कैसे बाय सेटिंग अप ऑफ यूजीसी ठीक है तो इसका मिशन और इसने क्या रिकमेंड किया था सेटिंग अप ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज़ आल्सो ठीक है कि मतलब कि आप क्या कर सकते हैं कि देखो हायर हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का इंटीग्रेशन और क्या मतलब कैसे कि हम यूजीसी जी सी को सेटअप करके कर सकते हैं और आल्सो जो रूरल uh, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सेटअप करके ठीक है नेक्स्ट आया था मुदलियर कमीशन uh, ये इसी पर ही था मतलब जो ये राधाकृष्णन थी इसके बाद ये uh, देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ये सेकेंड्री एजुकेशन कमीशन है ठीक है इसने क्या रिकमेंड किया था रिकमेंड किया था थ्री सेकेंडरी एंड फोर ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम की जो हमारा सेकेंडरी सिस्टम है वो थ्री ईयर हो का होना चाहिए और जो फोर ईयर जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो कितना होना चाहिए फोर ईयर का ठीक है इसने ये भी रिकमेंड किया था कि हम मतलब मल्टीपर्पज़ स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलें और ये कब आया था मुदिलयर कमीशन नाइनटीन टू से थ्री में ठीक है नेक्स्ट आया था कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन ये डॉक्टर संपूर्ण आनंद की चेयरमैनशिप में हुई थी उन्होंने क्या किया था टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन कि भाई हम ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम भी करें यूथ के लिए जो क्या करें वो जो इनके इमोशनल इंटीग्रेशन है उनको भी स्ट्रॉन्ग करें ठीक है तो अभी तक हमने तीन पढ़ी हैं राधाकृष्णन जो फर्स्ट थी मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो कमीशन ने सजेस्ट किया था कि हम हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें क्या था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ठीक है इसने ये भी बोला था कि हम रूलर यूनिवर्सिटीज़ का भी सेटअप करें फिर आए मुदिलियर नाइनटीन में जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला गया इसने रिकमेंड किया कि आप थ्री ईयर सेकेंडरी और फोर ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम करो और यह भी रिकमेंड किया कि आप मल्टीपर्पज स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी करो ठीक है कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन की सेटअप करो चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मतलब किसके अंडर हुई थी डॉक्टर संपूर्ण आनंद के जिसमें क्या सेटअप करो ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम जिससे यूथ को इमोशनली भी हेल्प मिले ठीक है नेक्स्ट आया था कोटा कोठारी कमीशन 1964 से 1966 मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें बहुत बार पूछे गए हैं तो कोठारी कमीशन अच्छे से करना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना और यह देखना कि ईयर क्या है और किसने किया था और इसका दूसरा नाम क्या है ये ज़रूर देखना ठीक है और इसमें क्या क्या प्रपोज किया गया था देखो जो भी इसके रिकमेंडेशनस थे वो सारे हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नाइनटीन वाली आई थी उसमें लाए गए थे ठीक है तो इसने सिर्फ यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं ठीक है थीके? ये जो कमीशन सेटअप किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 जुलाई 1964 में की थी दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप के अंडर ठीक है इसको एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोला जाता है ठीक है एजुकेशनल एंड एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ठीक है फोर मेन जो इसके थीम्स थी क्या थी कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है प्रमोट करना है सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन डाली है और सोशल मॉरल और स्परिचुअल वैल्यू सबको ही डेवलप करना है ठीक है इसको इसको फ्रेम करके मतलब इन थीम्स को ध्यान में रखते ही ये कमीशन ने क्या कहे थे रिकमेंडेशन दिए थे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या थे किसने इसने क्या आ, क्या एम किया एम एट एग्जामिन ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर अक्रॉस ऑल द कंट्री मतलब अभी तक सिर्फ क्या हो रहा था कि कुछ पर्टिकुलर फेज पे मतलब कि सेकेंडरी देख लिया हायर देख लिया पर इसने जितने भी सेक्टर हैं सब सबको एम किया मतलब सबको एग्जामिन किया, मतलब सब किया उसके अकॉर्डिंग अपना रिकमेंडेशन दी इंक्लूड इंक्लूडेड एवोल्यूशन ऑफ जर्नल पैटर्न ऑफ एजुकेशन मतलब इसमें इसने जो जर्नल पैटर्न है एजुकेशन का वो इवॉल्व किया जो रिकमेंडेशन था कमीशन का वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिकमेंडेशन थे कमीशन के वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में रिफ्लेक्ट हुए थे कि उसमें लिए गए थे और क्या क्या रिकमेंडेशन थे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के बच्चों के लिए प्रपोज थ्री ईयर डिग्री कोर्स एंड फोर ईयर ऑनर डिग्री कोर्स देखो उसमें क्या था कि थ्री ईयर सेकेंडरी और फोर ईयर हायर ठीक है इसने क्या बोला कि थ्री ईयर डिग्री कोर्स एंड फोर ईयर ऑनर्स डिग्री कोर्स ठीक है इसने प्रपोज किया था एस्टिब्लिशमेंट किया था इंडियन इंज सर्विसज़ का टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन ताकि वो जो क्वालिटी uh, है इम्प्रूव हो चुके हो सके हाँ. इंडियन आयर है एजुकेशन के और रिकमेंड किया था कि जो सिक्स परसेंट ऑफ़ नेशनल इनकम है वो एजुकेशन पे स्पेंट होनी ही चाहिए ठीक है नेक्स्ट आया था इन, इसने इन्होंने रिकमेंड किया था थ्री मतलब ये सारा इंप्लीमेंट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो नाइनटीन सिक्सटी एट है उसमें हुआ था पर इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड कर दिया था कि वो जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो होनी ही चाहिए और जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला था वो क्या था कि सेकेंडरी स्टेज पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करे थ्री लैंग्वेज फार्मूला मतलब कि क्या ये इंक्लूड करे कि जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो तो हो ही हो साथ में अगर साउथर्न लैंग्वेज है अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश तो जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पे कोई साउथर्न लैंग्वेज भी पढ़ाई जा सकती है और इट शुड भी हिंदी अलग विद रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इन नॉन और जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर क्या हो कि हिंदी तो हो ही और साथ में वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो और जो इंग्लिश है वो नॉन स्पीकिंग हिंदी हिंदी स्टेट्स में जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती ठीक है फिर हिंदी भी उन्होंने क्या किया कि मतलब क्योंकि देखो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो उसने प्रमोट करने के लिए इस पर भी मतलब इसके डेवलपमेंट पर भी कहा कि इस पर भी फोकस करें संस्कृत को इंपॉर्टेंस दी गई ताकि हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है उसका उसकी ग्रोथ हो सके और इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया ठीक है उसके बाद क्या गया इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ठीक है आइडेंटिफिकेशन फ़ॉर टैलेंट फॉर फर्दर डेवलपमेंट वर्क एक्सपीरियंस और नेशनल सर्विसेज को भी इंटीग्रल पार्ट माना गया फोकस किया गया साइंस और रिसर्च पे भी स्पेशल uh, मतलब ध्यान दिया गया कि uh, जो डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में मतलब एजुकेशन की जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में कैसे पार्ट ले सकती है एग्जामिनेशन uh, रिफॉर्म का देखा गया कि हम कैसे वो कर सकते हैं और कब तक उनकी वैलिडिटी रहेगी पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज़ का भी में डेवलपमेंट हुआ लिटरेसी और एडल्ट एजुकेशन को लेके भी इसमें हुआ मतलब क्योंकि इन्होंने बोला कि आ, एक ये सही रहेगा कि हम क्या करें कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाए ठीक है तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था ऑप्टेन करने का वो क्या था टेन प्लस टू प्लस थ्री जैसे जो हमारा अभी करंट पैटर्न चल रहा है ठीक है यूनिवर्सिटी एजुकेशन अटेंशन शुड बी गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनको उनके उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना उनकी इम्प्रूव uh, करना ट्रेनिंग और रिसर्च को इस लेवल पर सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी शुड भी स्ट्रेंथ जो एडवांस स्टडी के स्टैंडर्ड हैं उनको और भी मजबूत बनाना और देर इज़ नॉट नीड टू गिव इंक्रीज सपोर्ट टू रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़ मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो यूनिवर्सिटी uh, मतलब कि एजुकेशन है अभी तक मतलब उसमें रिसर्च का भी फोकस करना ठीक है तो ये uh, सब क्या है कि हमारे पास uh, कोठारी कमीशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं इसमें सारी रिकमेंडेशनस थी जो आगे जाके जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नाइनटीन सिक्सटी एट में थी ठीक है उसके उसमें लाई गई वो रिकमेंडेशन ठीक है मतलब ये सारी उसमें इम्प्लीमेंट हो गई थी तो जो इसके बीच में एक आई थी एजुकेशन जो मैंने आपको बताया अभी नेशनल पॉलिसी नाइन्टीन वो थी तो इसमें वो सारे फ्रेमवर्क हो गए थे ठीक है तो फिर आया एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट नाइन्टीन में इसने बोला कि थ्रू एंट्री ट्वेंटी फाइव इन कंकट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसने बोला कि जो सेंटर है उसको भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं पहले क्या था कि सिर्फ स्टेट को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई अपने एंड पे एजुकेशन संभालो पर उसके बाद क्या गया सेंटर को भी दी गई कि भाई आप भी जो uh,

टू ओल्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन और इसके लिए जो सेंटर है उसको मतलब पहले से सेंटर को क्या थी सिर्फ कॉर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन व्यक्ता मतलब था स्टैंडर्ड के पर उसके बाद उसको एजुकेशन की भी दे दी गई ठीक है नेक्स्ट आया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नाइनटीन सिक्सटी एट मैंने अभी आपको बताया कि जो भी कोठारी के सारे थे वो सारी पॉलिसीज़ और रिकमेंडेशन इसमें फ्रेम किए गए ठीक है इसमें इंप्लीमेंट किए गए जिसको एक रेडिकल रिसकन्स्ट्रक्टिंग भी बोला गया और इसमें क्या था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी सभी के लिए ताकि जो एक नेशनल इंटीग्रेशन है वो अचीव किया जा सके ठीक है ताकि हमारी जो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सके फिर आया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नाइनटीन और फिर पॉइंट ऑफ एक्शन नाइनटीन देखो ये सारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ही है जो हमारे पार्ट चल रहा है। तो जो इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन का वो क्या था कि हमें ना इसमें किसी को भी मतलब वो नहीं रखना है आ, कि भेदभाव हम बोल सकते हैं कि नहीं रखना था कि मतलब कि चाहे वो सोशल हो चाहे वो रीजनल हो मतलब अगर वुमेन के बेस पे भी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए मतलब सब कुछ सब माइनॉरिटीज़ के बेस पर एस सी मतलब सबका ध्यान रखा गया था इस पॉलिसी में ठीक है इस पॉलिसी ने यह भी किया कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं वोकेलाइजेशन भी वो वोकेशनलाइजेशन मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो वोकेशनलाइजेशन में हम करते हैं ठीक है एडल्ट एजुकेशन पर फोकस किया गया मतलब कि एजुकेशन आपके जो जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग रूरल यूनिवर्सिटी अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन पर भी फोकस किया गया ठीक है इसमें ये भी किया गया बेसिस है जिसमें क्या आया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ योगा हुआ था फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस में ठीक है अब जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था ये 1992 में इसके मतलब ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 96 के अंडर इसने क्या किया था इसने सजेस्ट किया था कि हमें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं इंडिया पे ताकि मतलब फॉर द एडमिशन ऑफ मतलब जितने भी प्रोफेशनल और टेक्निकल एग्जाम होते हैं कंट्री में ठीक है जैसे कि जो ये ए आई ट्रिपल ई जो होता था पहले मतलब ये सारा इसी के लिए होता था ठीक है जे डबल ज, तो ये सारा इसी में ही होता था ठीक है इसी में ही पॉलिसी में लिया गया था उसके बाद जो आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी करंट ही आई है मतलब 2019 में जो एम है उसने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया था जो मतलब बहुत सारे पब्लिक कंसल्टेस ने फॉलो किया था तो जो ड्राफ्ट ने था वो वो बेसिकली क्या था कि जो करिकुलम कंटेंट है वो कर इनक्री वो रिड्यूस करके वो बढ़ानी है उनकी जो एसेंशियल लर्निंग है जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर ज़्यादा पार्ट करना है तो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो टेन प्लस सिस्टम से अलग होकर क्या हो गया है फाइव प्लस थ्री ठीक है फाइव मतलब अप टू टू फिर थ्री अप टू मतलब थर्ड टू फिफ्थ और फिर थ्री सिक्स टू एथ एंड फोर्थ फिर नाइन टू ट्वेल्थ ठीक है ऐसे हो गया तो जो ट्वेंटी नाइन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी में कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ठीक है ये पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा जो फाइव प्लस थ्री प्लस फोर है तो ये कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आई है तो ये ध्यान रखना अगर आता है आपके एग्जाम में तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है उसके बाद आई इगना नाम कमेटी नाइनटीन नाइनटी थ्री में इसने रिकमेंड किया कि जो हम फ्लेक्सीबिलिटी और ऑटोनॉमी है अपने एकेडमिक एक्सीलेंस की और क्या क्या कि जो मतलब जो डीम यूनिवर्सिटी अगर उनका देखें मतलब रिस्ट्रिक्ट करें कि अगर वो ग्रोथ नहीं करनी है तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें ठीक है या फिर मतलब उसको स्क्रू करें कुछ भी मतलब इन्होंने रिकमेंड किया तो एम्फेसाइज एं, किया कि जो नेशनल कमीशन है हायर एजुकेशन का और रिसर्च पे और मतलब रिसर्च पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें इंकरेज करें कि रिसर्च पे थोड़ा ध्यान हो सके ठीक है फिर आया पित्रौदा कमेटी 2007 में ठीक है इसको नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोला गया इसने और रिकमेंड किया कि हमें जो अपना करिकुलम है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल हैं और क्राइटेरिया बेस्ड रिसोर्स एलोकेशन है वो एक स्टैंडर्ड से मतलब एक स्टैंडर्ड में मेंटेन रहे ठीक है, है इसने सपोर्ट किया एंट्री ऑफ़ फॉरेन यूनिवर्सिटी और ऑल्सो फेवर्ड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एफिलेसन ऑफ़ कॉलेज इन यूनिवर्सिटी कि भई क्या करो कि फ़ॉरन यूनिवर्सिटीज़ को भी लेके आओ कि और रिड्यूस करो थोड़ा बर्डन कॉलेज के ऊपर जो था यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग मतलब यूनिवर्सिटी एफिलिएट कर रही है और मतलब और आएंगी तो और कॉलेजेस होंगे तो वो उनके अंदर एफिलिएट होंगी टाइप ऑफ ठीक है यशपाल कमेटी इसने सजेस्ट किया स्क्रैपिंग ऑफ ऑल हायर एजुकेशन मतलब चाहे वो रेगुलेटरी है मॉनिटरिंग बोर्डिंग है और एक ऐसा मतलब रेगुलेटर बनाना सेवन मेंबर कमीशन का ऑन हायर हायर एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इसने रिकमेंड किया कि जो डीम यूनिवर्सिटी स्टेशन स्टेटस है या तो एबॉन्डन कर दो और जो डिज़र्विंग डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दो फ़ुल फ्लैज यूनिवर्सिटी में या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दो यशपाल कमेटी ने दिया था उन्होंने ये भी कहा कि जो रिड्यूस है मतलब ये बर्डन इन्होंने भी बोला था कि जो ये क्या है रिड्यूस करो ठीक है नेक्स्ट आया शर्मा कमेटी मतलब आपको इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि क्या थे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं अदरवाइज जो कठारी कमीशन है वो बहुत अच्छे से करना नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छे से करना ठीक है बाकी थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए ताकि आप मैच में अगर आता है तो आप वैसे अटैम्प्ट कर सकें ठीक है क्योंकि अभी हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या था ठीक है नेक्स्ट आता है कि जो शर्मा कमेटी है वो अंडर एम एम शर्मा हुई थी सेटअप इसने फोकस किया डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया कमेटी ने सजेस्ट किया कि हम एक इस्टिब्लिश करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ऑल्सो रिकमेंड किया कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका एक्सपेंशन होना चाहिए क्वालिटी और जो एक्सेस है और अफोर्डेबिलिटी है टेक्निकल एजुकेशन की वो भी होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट आता है डॉक्टर अनिल काड़ोकर कमेटी मतलब इसने रिकमेंड किया कि जो स्ट्रेटेजी हैं जो टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की वो भी और जो हर साल का जो बजट है उसका दो परसेंट हमेशा रिसर्च को दिया जाना चाहिए ठीक है ये सारी हमारी थी जो कमेटी थी ठीक है एक बार रिवाइज कर लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना साथ साथ ताकि आपका क्लियर हो जाए ठीक है अब हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में अभी आए हैं जून 2019 दिसंबर 2019 एंड दिसंबर 2018 के हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है थीके? तो इसने बोला कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिपोर्ट्स डील विद ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सरगेंट कमीशन नाइनटीन फोटी फोर हार्डवर्क कमीशन देखो एक तो पहले ही हमें पता चल गया कि सरगेंट और हार हार्ट तो है ही नहीं क्योंकि इसने बोला कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद तो ये दोनों तो है नहीं राधा कृष्ण कमिस्ट्री ने सिर्फ इंटीग्रेशन दिया था हायर एजुकेशन और सेकेंडरी का तो वैसे भी कौन सा बचा कोठारी कमीशन बट फिर भी जो कोठारी कमीशन आया था उसने ही डील की थी पूरी और मतलब सारे लेवल ऑफ एजुकेशन इंडिया जितने भी हैं उन पे ही फ़ोकस किया था ठीक है सब सब लेवल पे फोकस किया था तो इसका आंसर है कोठारी कमीशन नाइनटीन नेक्स्ट आया था द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज़ द सब टाइटल एजुकेशन फ़ॉर नेशनल डेवलपमेंट ठीक है इसने बोला था कि जो आ, जो रिपोर्ट है जिसने विच ऑफ़ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज़ द सब टाइटल एजुकेशन फॉर एजुके एजुकेशन फ़ॉर नेशनल डेवलपमेंट तो वो भी कौन सी थी कौन सी थी कोठारी कमीशन ठीक है एजुकेशन फ़ॉर नेशनल डेवलपमेंट वो भी किसको बोला गया था कोठारी कमीशन को विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे फिर से आया तो ये भी क्या था कोठारी कमीशन नेक्स्ट आया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा इन टीचर ट्रेनिंग प्रोसेसेस तो इनमें से कौन से वाली थी जो ठीक है तो जो ये थी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में आया था जिसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ योगा है वो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में हो तो उसने प्रपोज किया था ठीक है तो ये सेकेंड है आंसर कन्फ्यूज मत तो ना सिक्सटी और एटी में ठीक है तो ये सेकेंड वाले 86 पे आया था एटी सिक्स पे ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोसाइज द एजुकेशन नीड्स टू बी बैनेज्ड इन एन एटमोसफेयर ऑफ़ एटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर्स एंड सीरियसनेस ऑफ परपज एंड ऑफ फ्रीडम असेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ठीक है इसने बोला था कि कौन सा किसने एम्फेसाइज़ किया था कि जो एजुकेशन है वो क्या पे मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट में होनी चाहिए जो सबसे फ्री हो सीरियसनेस मतलब कि फ्रीडम हो वहाँ पर आपके पास इनोवेशन और क्रिएटिविटी की ठीक है तो ये हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स ठीक है नेक्स्ट आता है मैच द लिस्ट कंटेनिंग ऑफ कमीशन विद लिस्ट कंटेनिंग सेकंड कंटेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ डेट कमीशन ठीक है इसमें क्या था कि uh, कौन कौन सा कमीशन किससे मिलता है और इस किसने क्या रिकमेंड किया था देखो जो राधा कृष्ण कमीशन था उसने किया था कि जो हमें इंटीग्रेट करना है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तो ये तो इससे मैच मतलब ए का थर्ड तो ए का थर्ड वैसे भी हमें किसी का नहीं दिख रहा सी का ही है तो मोस्ट प्रोबेबली सी ही आंसर होगा तो मुडेलिवर कमीशन ने दिया था ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री इयर्स और फोर इयर्स ऑफ हायर एजुकेशन कोठारी ने दिया था थ्री इयर्स ऑफ डिग्री एंड फोर इयर्स ऑफ ऑनर डिग्री तो ये वैसे भी बन रहा है और सम पटौदा ने दिया था कि हमें जो करिकुलम है उसको थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए फॉर आवर मल्टी प्रोफेशनल कोर्सेज ठीक है नेक्स्ट आया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन टेन प्लस टू प्लस थ्री का स्ट्रक्चर वॉज इन इनकॉर्पोरेटेड इन स्टेटमेंट ऑन देखो टेन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली किस में रिकमेंड हो चुका था कोठारी कमीशन में ठीक है नेक्स्ट आता है इन विच ईयर द एजुकेशन कमीशन सेकेंड्री एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए एल मुदलियर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया था नाइनटीन फिफ्टी टू में और फोटी एट में राधाकृष्ण था फर्स्ट वाला तो उसके बाद जो आई थी वो थी सेकेंड्री एजुकेशन जो थी नाइनटीन फिफ्टी टू और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर थी वो मुदलियर कमीशन जो हमने अभी पढ़ा था ठीक है जिसमें उसने थ्री ईयर डिग्री कोर्स और फोर ईयर हायर डिग्री कोर्सेज बोला था इन नाइनटीन फोर्टी एट अंडर हुई चेयरमैनशिप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वो सेटअप टू रिकन्स्ट्रक्ट एजुकेशन इन इंडिया तो वो कौन सा था डॉक्टर एस राधा कृष्णन ठीक है नाइनटीन फोर्टी एट में नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग इन इन इन्वेस्टिगेट अ कामन एजुकेशन स्ट्रक्चर लाइक टू टेन प्लस टू प्लस थ्री एज ए कॉमन देखो उसने अब ले लिया था अपने मतलब उसमें उस, उस प्रोग्राम पे वो चल रहा था तो यहाँ पे जो कोठारी कमीशन है उसने सिर्फ रिकमेंड किया था तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स इसमें वो आ चुका था ठीक है इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी एस कोठारी वो सेटअप ठीक है uh, कब हुआ था ये डी एस कोठारी वाला जो कोठारी कमीशन था नाइनटीन सिक्सटी फोर में ठीक है तो एक तो ईयर बहुत अच्छे से लर्न करना है एक आपको लर्न करना है कि किसने क्या सजेस्ट किया था अपना नोट कर लेना इंपॉर्टेंट उपॉर्टेंड पॉइंट ताकि आपको पूरा मतलब अगर आपको फिर भी नहीं आता तो इसको वीडियो को आप स्पीड पर भी करके देख सकते हैं ताकि आपको और जल्दी आपका टाइम भी जा, बच जाएगा और आपकी रिविज़न भी हो जाएगी ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हम अभी और भी हायर एजुकेशन पर मैं लेके आने वाली हूँ ताकि आपका जो लास्ट मंथ प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करते रहिए गाइस एग्जाम बहुत पास में और मतलब अगर पोस्टपोन भी अगर होता है तो फिर भी आपको एग्जाम तो देना ही है तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू